अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ GT5 पाकिस्तान। तो भाई आज इलेक्शन सीरीज़ के हवाले से एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि माइकल ने फाइनली फैसला कर लिया है कि वो किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेगा, और अंदाज़ा आपको हो गया होगा कि किस पार्टी से। तो भाई माइकल ने PTI को ज्वाइन कर लिया है, और पिछले जो हमारे इलेक्शन हुए थे GT5 में, उसमें भी माइकल ने PTI से इलेक्शन लड़ा था और आपके ही वोट्स की वजह से वो कामयाब हुआ था। तो इस बार भी भाई अभी से ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि माइकल ने PTI को ज्वाइन किया हुआ है, और ये इस वक्त देख सकते हैं आप ये मनाजिर है कि उसने बाकायदा ऐलान किया है, और यहाँ पे फुट शॉट हो रही है। तो माइकल अपने फार्म हाउस पर इस वक्त मौजूद है, और भाई हमारे पास इस वक्त जो कैंडिडेट्स कन्फर्म आ गए हैं तो वो कुछ ऐसे है कि ट्रेवर हमारे पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कन्फर्म उम्मीदवार इलेक्शन के लिए, और दूसरा हमारे पास जिमी है जो माइकल का बेटा है, वो ANP अवामी नेशनल पार्टी से वो इलेक्शन लड़ेगा, और तीसरा जो हमारे पास उम्मीदवार है तो वो है फ्रैंकलिन जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इलेक्शन लड़ेगा। तो ये चार उम्मीदवार हमारे पास इस वक्त फाइनल हैं। इस वक्त हम अपने फार्म हाउस में मौजूद है, और यहाँ का मैं आपको थोड़ा सा विजिट कराता हूँ। आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और इसके अलावा भी हम मैंने अपने चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो जाके आपने उनकी वीडियो ज़रूर चेक करनी है। बहुत ही मज़े की वीडियोज़ वो बनाते हैं, और उनको आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो इस वक्त भाई हम यहाँ ये जो बंदा है इनके साथ हमारी मीटिंग चल रही PTI का, ये एक सीनियर बंदा है लॉस सैंटोस में, और ये हमारी गाड़ी है भाई। तो ये इसमें हम अपना इलेक्शन कम्पेन वगैरह करेंगे। ये पाकिस्तान का फ्लैग इस वक्त इस पर लगा हुआ है फोल्ड किया हुआ। तो अभी हमारी इनसे मीटिंग होगी, और उसके बाद फिर हम जो है ये गाड़ी जो है इसको बाहर लेके जाएंगे। इस पर पाकिस्तान और PTI का एक बोनेट पे इसके फ्लैग्स लगवाने के लिए इसको हम बाहर लेके जाएंगे। तो भाई हमारा ये फार्म हाउस है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप ही की सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि पूरे 3 महीने बाद हमारा चैनल जो है तो वापस आया हुआ है, और 3 महीने बाद ही हमारा वीडियोस जो है तो इंशाल्लाह इसी तरह अपलोड होगी। तो भाई ये हमारे फार्म हाउस का व्यू है, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये वो जगह है। अच्छा, ये हमारी गाड़ी है, तो फ्लैग्स वगैरह तो लग चुके हैं। पाकिस्तान का फ्लैग तो पहले ही लगा हुआ था जो कि फोल्ड हुआ हुआ था, अभी PTI का भी फ्लैग लग चुका है। तो भाई गाड़ी कैसी लगी आपको BMW, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी PTI के फ्लैग्स भी लगे हुए हैं। तो इस गाड़ी में हमने कुछ मॉडिफिकेशंस और भी करनी है जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा। इस गाड़ी को बाहर की तरफ लेके जाते हैं, और बाहर जो गेट है उस पर भी हमने चेंजेस करनी है फार्म हाउस के। हमारा आपने अगर गेट नहीं देखे, हमारा जो एंट्रेंस है फार्म हाउस में, अगर आपने वो नहीं देखा तो भाई आपने कुछ नहीं देखा। तो हमारे साथ ही रहिए, अभी जो तो बाहर निकलने वाले फार्म हाउस का जो हमारा एंट्रेंस है तो वहाँ हम जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, और वो भी हमने पूरा का पूरा चेंज करना है, मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले वीडियोस में, आप देखेंगे। अच्छा जी, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो उसको आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो ठीक है भाई, यहाँ से निकलते हैं, और बाहर जो हमारा फार्म हाउस का एंट्रेंस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। भाई BMW हमारी कैसी लगी भाई, ये अपने कमेंट्स में बताना है। PTI के फ्लैग और पाकिस्तान का फ्लैग तो लग चुका है, लेकिन और आपको कैसे लगा BMW? ये मैंने इसलिए रखा हुआ है कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, उनके पास बिल्कुल इसी तरह गाड़ी है, BMW X5। तो ये मैंने इसीलिए भी जो है तो रखी हुई है। और अच्छा, एक और बात मैं बताने भूल गया था, हमारी जो इलेक्शन कम्पेन्स होगी वो भी बहुत जल्द स्टार्ट होंगी। तमाम जो जितने भी पार्टीज़ इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, जितने उम्मीदवार, तो सब की रैलीज़ और जलसा वगैरह सब कुछ होगा। पिछले इलेक्शन की तरह पिछले इलेक्शन में काफ़ी बड़े बड़े हमने जलसे कराए थे। अब सबसे पहले हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा कराया था, सबसे बड़ा जलसा वही हुआ था। उसके बाद ANP का भी हुआ था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी जलसा हुआ था, और PTI का भी जलसा हुआ था। तो वो इलेक्शन कम्पेन, वो इलेक्शन जो है तो आप चैनल पर देख सकते हैं। बिल्कुल जो था फेयर इलेक्शन हुआ था, आप सब ने ही वोट दिए थे उसमें भी, और आपके सामने सब कुछ हुआ था। उसी तरह ये भी इलेक्शन होगा, और आप
सब ने ही वोट देना होगा। तो ये भी हमारा फार्म हाउस का एंट्रेंस है। अभी तो खैर हम एग्ज़िट कर रहे हैं, लेकिन या ये एक एंट्रेंस गेट है हमारा, इसको हम पूरा का पूरा या चेंज करेंगे और मैं इसका नाम रखने वाला हूँ भाई इंसाफ हाउस। तो ये जब चेंज होगा ना फिर आपको पता चलेगा। अभी तो ये पुराना जो है तो उसमें जिस तरह बेसिक हमने मॉडल बनाया था वही है। तो ये हम चेंज करने वाले बहुत ही जल्द, यह आपको बहुत ही ज़बरदस्त व्यू नज़र आएगा। तो इसका हम नाम भी पर रखेंगे इंसाफ हाउस, और वो आपको आने वाली वीडियोस में पता लगेगा। तो भाई यही था आज का एपिसोड। आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और इलेक्शन जो है तो आने वाले इलेक्शन के बारे में हमें अपनी राय से भी हमें अपने आइडियाज़ देने हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।